So thus is done Quij, Leipzig. Seit wann finden in Leipzig Messen start? Leipzig में कब से Messen, fairs? बे फियर्सन 1997 वस वार रिशार्ड वाग्नर इन लाइप्सिश एर वार शूलर निकोलाई शूल है या एर वार शूलर उन वस माखन बीएमवे उन पोर्शे इन लाइप्सिश बीएमवे प्रोड्यूसियरन उन वास बेजुखन म्यूजिक फैंस इन लाइप्सिश ओपेर उन कॉन्सर्ट है उन वन इज दी लाइप्सिगर बुक में से Jedes Jahr im März. Ja, richtig. So ist es. Perfekt. So means so ist es. Das ist es. So means this is the way, this is something, it is like this only. So ist es, das ist es, es ist das, es ist so, it is like this. Und where is das? Wie heißt diese Person? Who is this person? Nein, nicht Goethe. Wer ist die Antworten haben Sie auch? Sie haben das schon bei Ihnen. It's already written there. Johann Sebastian. Yeah. Bach का मतलब तो नाला होता है लेकिन यहाँ पे नाला नहीं है ये तो नाम है किसी का या Johann Sebastian Bach जो जर्मन कंपोजर दिस सिटी इज ऑल्सो फेमस फॉर दिस सिंगर्स और कंपोजर्स एंड सो जर्मन कंपोजर एंड म्यूजिशियन था ये पुराने टाइम में एंड ही कम्स फ्रॉम दिस प्लेस कीबोर्ड ये वहीं पे होगा लाइप्सिस में ही होगा कुछ एड्रेस नहीं दिया है जोहान सेबास्टियन बाख वार कॉन्टोर एंड टोमास किर्च टोमान किर्च है या Thoman Kirche. So that is the church. Correct. Kantor and to Kantor. Kantor to Kantor ka matlab to ek tarah se prisht hota hai. Jo mantra vagaira uchcharan karta hai jaise hamare mandir mein sanskrit ke mantra padte hain koi na? To aise church mein bishop vagaira jo hote hain to ye us हाँ चेंटर मतलब जो चेंटिंग करता है वहां पे तो चेंटिंग क्या करेगा जैसे मंत्र होंगे तो वो करेगा या फिर लोगों को प्रीचिंग देना चर्च में ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप चलता है आज भी चलता है वहां पे उस टेक्स्ट में भी दे रखा है सो नॉक होइट है
विद दस गिलाइटेड, सो दैट टाइम ही वॉज एक्चुअली, तो ये सिंगर था, ये कंपोजर था, तो इस तरह के काम चर्च में करते थे ये लोगों को कुछ, तो जैसे भजन वगैरह सिखाना शुरू कर देते हैं ना, और फिर खास त्योहारों पे वो बच्चे गाते हैं फिर, तो इस तरीके से ये वहाँ पे उस चर्च में बना रखा था इसको कांटोर। सो इस तरह की जो भी वॉज ही वॉज दैट टाइम कांटोर यस इन दैट चर्च, एंड देन ही यूज टू गाइड, जो ग्रुप सिंगिंग होती थी उसको ये लीड करते थे, बिकॉज जिसका जैसा इंटरेस्ट है, और इस ये तो कंपोजर थे खुद, तो नए नए बनाना और कंपोज करना और मोटिवेट कर पाता आदमी जब उसके पास खुद के पास होता है सामान। सो एर वार दन औक दाफ्यूर बेकांट ही वॉज ऑल्सो फेमस फॉर दैट उन दान हियर लाइपसिगर बुक मैसे। सो दिस फोटो इज ऑफ दैट बुक फेयर लाइपसिगर बुक मैसे, एंड द लास्ट वन इज गिवांड हाउस। गिवांड हाउस इज ए काइंड ऑफ म्यूजियम यू कैन से। सो पेंटिंग्स आर देयर, सो मान खान गेन कपड़े से रिलेटेड और तमाम तरह की, या गिवांड हाउस आर्ट हाउस म्यूजियम। सो ये तो अलग अलग चीज होगी ना सारी। ओपर मीन्स पीपल विजिट ओपेरा, पीपल विजिट दिस गिवांड हाउस, एंड पीपल ऑल्सो विजिट थर्ड थिंग कॉन्सर्ट। या दिस इज एक्चुअली सम काइंड ऑफ म्यूजियम, पीपल गो एंड सी द पेंटिंग्स एंड ऑल। गिवांड हाउस इज ए काइंड ऑफ आर्ट हाउस, आर्ट म्यूजियम यू कैन से। या सो जेहिन स्यूडिक्स काइटन म्यूजियम ओ दस वारस ओन दन हावन वीर आउक नॉक हियर वन थ्रिफ्ट कारोलीन है इरे फ्रॉइंड है विजोल्टन दस लेजन उन दान अर्गेंशन वीर हालो फ्रॉइंड है एश्वार इन थाईलैंड उन म्योस्टे माइनर उन लाउब्स फोटो साइगन वन थ्रेफन वीर उन्स सी यू कारो। सो हालो फ्रॉइंड है इश्वार इन थाईलैंड आई वॉज इन थाईलैंड उन म्योस्टे माइनर उन लाउब्स फोटो साइगन आई वुड लाइक टू शो यू माई holiday photos one trifle year uns so kind of whatsapp ye kisi friends ko aap message kiya hai baat alag alag friends jawab de rahe hain uska so this person so karo was in thailand and now want to show photos to her friends maybe so first person ne answer diya hi karo इश खान अम मोन्टाक डिंस्टाक मिटवॉक फोन सेन बिश सोल्फ कौन कब आ सकता है वो अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। कारो हैज इनवाइटेड देम सो शार्लेन है हार्ट गिजाक्ट इश खान अम मोन्टाक डिंस्टाक उंड मिटवॉक फोन सेन बिश सोल्फ डोनस्टा कानिश्निष्ट फ्राइटाक फोन एल्फ बिच द्राइसिन डोनस्टा कानिश्निष्ट सो डोनस्टाक गेटनिष्ट उन फ्राइटाक फोन एल्फ बिच द्राइसिन यस सो वी विल सी Which time suits everyone? So Montag, Dinstag und Mittwoch. 3 days iske paas khub time hai. But let's see what Helene has asked. Helene. Karo, meine Liebe. Hey, Karo. My dear. Meine Liebe is my dear. Ich kann Montag, Donnerstag. 9 bis 11.
सो मोन्टाग उंड डोनरस्टाग फ्राइटाग कान इश निश्ट सो फ्राइटाग विल ऑल्सो सो डोनरस्टाग उंड फ्राइटाग नहीं हो सकता क्योंकि सबको एक साथ बुलाना है ना. नेक्स्ट सी कब इसको टाइम है नेक्स्ट वाले को. क्या होगा क्या होगा फ्रॉम सेल ओवर टू राइजन ओवर. ओके इसका हालो होला हार्ट मोन्टाग बिनिश्ड इन जेविला सो मोन्टाग नहीं होगा इसका मेरे को लगता है. डिंस्टाग कानिश आउख निश्ट सो मोन्टाग डिंस्टाग को भी नहीं हो सकता भाई. या ये भी नहीं हो सकता. मिटवोक बिश डोनस्टाग गेटस फोनसेन बिश वॉल्फ. अंटोनियो कह रहा है मिटवोक और डोनस्टाग दो दिन है इसके पास. मिटवॉक उन डोनरस्टाग गेटस उन सेन बिस्वॉल्फ 10 से 12 के बीच में. सो 10 से 12 के बीच में लेकिन 9 से 11 अवेलेबल है ये. तो इसका मतलब 10 से 11 इसके पास भी है. 10 से 11 सब अवेलेबल है. ये भी 10 से 11 है बट विच डे मिटवॉक. Thus is done the Antwort. Mittwoch von Sen bis Elf. Hallo, ihr Lieben. Dann treffen wir uns am Mittwoch. Before day you always write am. Von Sen bis Elf Uhr. This time suits everyone. समझ में आ रहा है ना कि मतलब इस दिन डोनरस्टाग को इसको टाइम नहीं है तो सबको मिलना है भाई. फ्राइटाग को इसको टाइम नहीं है और मंडे और ट्यूसडे को इसको टाइम नहीं है तो बचा क्या बुधवार. बचा सो बुधवार में भी फिर टाइम सबका मैच होना चाहिए. सो 10 से 11 सबका टाइम मैच हो रहा. 9 से कर लेते लेकिन ये 10 से अवेलेबल है तो इसलिए 10 से 11. ये तो मैथ्स हो गया सर. या दस इज आलस दस हावन विया दस नॉक दीज आर इम्पोर्टेंट. ये और क्वेश्चन आंसर करेंगे देन सी समथिंग एल्स. हियर अंटवोट इज इन द आंसर्स आर गिवन यू विल ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस. आंसर जो दे रखा है आंसर में जो वर्ब है जनरली वही क्वेश्चन के लिए ले लेनी चाहिए. दस जेक्रेटारियाट ईस्ट इंडियर एस्टन इटाज लिंक सिमर आइन हंड्रेड ड्राई. वो ईस्ट बिल्कुल सही. सो वर्ब ऐसी की ऐसी काम में ले लेंगे और ये तो आंसर है इंडियर एस्टन इटाज लिंक्स. ये तो आंसर है तो वो परफेक्ट. वो इष्ट दास सेक्रेटारियाट ऑफिस है कहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस. एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन ऑफिस है उसको बोलते हैं सेक्रेटारियाट. या परफेक्ट. हर्ष रीड द आंसर फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन. या हर्ष और फ्लैश विजय टू कांस्ट
गार्डरोब है, गार्डरोब लोकर द गार्डरोब इस्ट हियर इम एड गेशोस लिंक्स. सो व्हाट इज द मीनिंग विजय? वेयर इज द लोकर? ओके इम एड गेशोस. सो दिस इज द आंसर. तो क्वेश्चन में आंसर तो नहीं लिख दोगे? तो ये तो आंसर में आएगा, यहां क्या लिखूं? वो इष्ट दी गार्डरोब है. गार्डरोब है मीन्स लॉकर्स. लॉकर होता है ना जहां पे अपना सामान रख के फिर लाइब्रेरी में जाओगे और वापस आके वापस खोल लोगे. जर्मनी में ये लॉकर वगैरह सिस्टम बड़ा जोरदार है. आप लॉकर काम में लेते हो तो उसमें पैसे अटक जाते हैं ना, 2 यूरो 1 यूरो उसमें डालोगे तो लॉकर खुलेगा. फिर आप जब चाबी वापस आके उसमें छोड़ दोगे तब वो पैसे वापस निकल जाएंगे. इट वॉज इन सुपर मार्केट ऑल्सो. वो आपकी ट्रॉली लीज दैट इज इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल. और अगर मान लो इधर उधर तो बंदा दूसरा आके उसको फिट करे तो उसको मिल जाएंगे वो पैसे. इट्स गुड. सो सिस्टम के लिए वेरी नाइस. सो द गार्डरोब इस्ट हियर इन एडगेशोस लिंक्स द टॉयलेटन. या श्रुति यू ट्राई दिस क्वेश्चन. ग्लाइसियर रेस्ट नेबर नेम लेजाल लेजाल. Anybody else who can improve this? वो इष्ट बोला उसने. टॉयलेटन तो प्लूरल है तो क्या आएगा? वो जिंड. वो जिंड द टॉयलेटन. यप परफेक्ट. लेजाल रीडिंग हॉल. नियर द रीडिंग हॉल ग्लाइस हियर रेस्ट जस्ट हियर राइट साइड. सी नियर द रीडिंग हॉल देर इज टॉयलेट. या जस्ट भी होता है. या ग्लाइस हियर जस्ट हियर राइट साइड. मुकेश रीड द आंसर फर्स्ट. पहले आंसर पढ़ो. डियर अश्विन इस्ट हियर वन ए रेस्ट इज उन पे डन गेटवे. दोबारा से पढ़ दो धीरे से. इतना धीरे पढ़ोगे तो पकड़ में नहीं आओगे मेरे. जोर से पढ़ो. डियर आउसगान आउसगान इस्ट हियर हियर फोर ने रेस्ट से दान गिराड आउस. क्वेश्चन क्या बनेगा? वो इस्ट डियर आउस आउस गंग. तो आंसर बोला कि अच्छा एग्जिट ढूंढ रहे हो सीधे सामने फिर राइट में और फिर सीधे चले जाओ यहां पे एग्जिट है. यस ओके डन. अमन स्वेश दी अनफोर्ट. या दी फरवाल्टुंग फिंडन जी इन द वो इज द फरवाल्टुंग. वेयर इज द फरवाल्टुंग? मैनेजमेंट का ऑफिस किधर है? वो और फिंडन वर्ब दे रखी है तो आप फिंडन भी ले सकते हो एज इट इज. फिंडन
राइट, बिल्कुल सही। फियर इज फोर्थ, टी ई तो लगता ही है और डाटिव के कारण एक एन और लग जाता है। सो वो फिंड इश, वो फिंड इश दी फरवाल्टोंग, कहाँ है फरवाल्टोंग? ये एंड लास्ट वन मे बी रेशु राशि विल यू ट्राई वास वो इस दी फरवाल्टोंग भी हो सकता है ना? बिल्कुल बोल सकते हैं, वो इस दी फरवाल्टोंग ये भी बोल सकते हैं। वेयर इज द मैनेजमेंट ऑफिस फरवाल्टोंग, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक या सर ये गिराड है, उसका मतलब होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट रेस्ट, रेस्ट का मतलब है राइट साइड, लिंक्स, लिंक्स का मतलब होता है लेफ्ट साइड। आज जो गिराड हाउस मतलब स्ट्रेट, कोई बोले कि ये तो पहली गली है और ये दूसरी गली है तो बोलेंगे स्वाइट स्ट्रास लिंक्स रेस्ट, ये रेस्ट है। रेस्ट्स दरवाजा है एक, उसके नीचे से चले जाओ तो होगा डोर्स, डोर्स द स्टोर, गेट के नीचे से चले जाओ डोर्स थ्रू। कभी कभी आएगा यूबर्डन प्लाट्स, यूबर्डन प्लाट्स कभी कभी इस तरीके से रास्ता बना रहता है। तो भाई तुम एक काम करो, इसके ऊपर से चले जाओ सीधे, इसको बोलेंगे यूबर्डन प्लाट्स। कभी कभी आएगा क्रॉइट्सुंग, मतलब इस तरह से ये प्लाट्स नहीं है, सीधा यूं भी हो जाता है ना कभी कभी रास्ता, यहां पे तो एक स्पेस छोड़ रखा है रेड लाइट वगैरह के हिसाब से, ट्रैफिक लाइट के हिसाब से, और कभी कभी ऐसे ही क्रॉस कर रहे होते हैं छोटी जगह पे, तो इसको बोलेंगे क्रॉइट्सुंग, क्रॉसिंग। सो गेहेनजी गिराड हाउस मतलब गो स्ट्रेट, गेहेनजी लिंक्स। आपको अक्सर ऐसे दिखेगा कि जब कोई बंदा कह रहा है आपको कि लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, तो लिंक्स और रेस्ट्स के पहले हो सकता है नाक प्रीपोजिशन दिखे, अक्सर दिखेगी गेहेनजी नाक लिंक्स राइट। आफ्टर का सेंस नहीं निकल रहा है यहां पे, वो तो कह रहा है कि लेफ्ट में चले जाओ, सो इन द लेफ्ट साइड। तो आपको अक्सर इसके कॉन्टेक्स्ट में नाक लिंक्स नाक रेस्ट्स ऐसे दिखेगा। फ्लाई ओवर में तो बोलेगा गेहेनजी यूबर दी ब्रुक है, जैसे कहीं ओवर ब्रिज बना हुआ है सपोज, तो फिर होगा यूबर दी ब्रुक है। नहीं, क्रॉसिंग तो चौराया है, चौराया। अच्छा, अच्छा, कोई भी चौराया जहाँ पे चार रास्ते मिलते हैं। अच्छा अच्छा, जहाँ ये अभी सर्कल जैसा है, ये सर्कल के बीच में एक पार्क है और सर्कल वाला के जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बस स्ट्रेट रोड्स हैं। स्ट्रेट रोड्स ही हैं, एक दूसरे को क्रॉसिंग क्रॉस कर रही है बस। ना ना कुछ नहीं है,
हाँ कोई स्पेस ही नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा okay. कभी कभी जैसे अभी क्रॉइज़न का हो गया ना, रिया अरेद्रा लड़े आ रहे हैं और नीचे जाना चाह रहे हैं, तो यू जस्ट टेक अ राइट, मगर क्रॉसिंग में यू गो अराउंड अबाउट एंड देन डू अ राइट, डू अ डाउन. अब हमारे छोटी जगह पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, वहाँ तो गाड़ियाँ इतनी कम आती हैं, तो ये सब कुछ बना भी नहीं सकते ना, बना नहीं है, कर ही नहीं है. गांव में होता है ना क्रॉसिंग रोड, जस्ट दैट इज द क्रॉसिंग. और यहाँ पे सिटी में जहाँ मैं रहता हूँ अभी जयपुर में, तो यहाँ पे जगह जगह पे ये बने हुए हैं, तो गाड़ियाँ रुकेंगी, ये लाइट खुलेगी तो ये जाएंगी पहले, फिर ये जाएंगी, तो जाएंगे सारे ऊपर से ही ना. सो दैट इज देन यूबर्डन प्लाट्स. जरूर वैसा ही होगा. हाँ जहाँ पे राउंड अबाउट बहुत होते हैं उसी में ऐसा दिखेगा आपको, यूबर्डन प्लाट्स. ठीक है, बिटे शोन. सो दस ब्यूरोफोन फ्रॉ म्यूलर ईस्ट इंडिया स्वाइटन इटाजे सिमर स्वाई हंड्रेड जीवन ऑन फियर्सिस क्वेश्चन क्या बनेगा विक्रम? वो इस लास्ट ब्यूरो फ्राउ फ्राउ म्यूलर या वो इस लास्ट ब्यूरो ऑन फ्राउ म्यूलर या वो एस्ट, और उसके बाद में ये आ गया दस ब्यूरो फोन फ्राउ म्यूलर. कहाँ है मैडम म्यूलर का ऑफिस? दस ब्यूरो आंसर दस ब्यूरो फोन फ्राउ म्यूलर. विजय रीड इट. दस ब्यूरो फोन फ्राउ म्यूलर ईस्ट इन डर स्वाइटन इटाज है, इट इज इन द सेकेंड फ्लोर. इटाज वर्ड आता है तो आपको इंडियर दिखता है, और स्टॉक वर्ड आता है, स्टॉक वर्ड आएगा एम स्वाइटन स्टॉक, क्योंकि डाटी या दस वर्ष हियर. सो हॉर्स Here gift us verbal. There are some verbs. Hers. आप स्टार्ट करोगे एक बार वर्ब्स को सबको पढ़ दो, फिर हम लोग इनको मैच करेंगे कौन सी वर्ब कहाँ पे सुटेबल है. कोई वर्ब ऐसी तो नहीं है जो आपको आती? 116 वास माखन जी वो. Which verb is new for you? Meaning बताओ एक एक. Listen मतलब to read. Yeah. Drink मतलब to drink. Yes. Driver मतलब to ride. Sorry, telephone मतलब to call. Yes. To make a telephone call. विजय व्हाट इज फ्रागन? क्वेश्चन करना, टू आस्क. फ्रागन इज टू आस्क, यस. एंड एसन एंड आर्बाइटन इज मुकेश टू वर्क. अभी जो भी तीन वर्क स्टेशंस हैं, आम एम्फांग, एम्फांग इज रिसेप्शन, रिसेप्शन हो सकता है लाइब्रेरी का रिसेप्शन हो, कोई और का भी हो सकता है, सो दिस इज रिसेप्शन. इंडर कैफेटेरिया, कैफेटेरिया. इम लेजे जाल, रीडिंग हॉल, रीडिंग रूम. सो मैं एक वर्ब बोलूँगा, आप में से जिसको समझ में आ जाए वो तुरंत
उस एरिया का नाम बोलेगा, कौन सी फोटो की बात हो रही है, पढ़ के बताना है। फिर आप एम्फांग, आम एम्फांग इंडियन कैफेटेरिया ऐसे बोलोगे। लेजन इम लेजेजाल या ट्रिंकन श्राइबन ओके आम सो आम आम एम्फांग इम लेजेजाल ओके टेलीफोर्नियरन फ्रागन या अनरूफन यस टू मेक ए कॉल फ्रागन एसन एसन अरबाइटन जागमाल ओके क्लार सो बोल के देखना एक्चुअली आम एम फांग एक्चुअली हम बार बार बोलेंगे नहीं तो निकलेगा ही नहीं जब बोलना होगा अपन को इसलिए बुक में जहां भी जो भी दिखे उसको बोल के देखना है कि लैंग्वेज हमारे लिए नई है हम A1 में है अभी तो जितना बोल बोल के देखेंगे उतनी आदत पड़ेगी हमको जरूर होता है डेयर डेयर एम्फांग डेयर कभी भी आपको डाउट हो तो डिक्शनरी में dic.cc में जरूर चेक कर लेना ये तो एक रूल भी है कि कोई भी वर्ब का en हटके अगर कोई आर्टिकल लगेगा तो डेयर लगेगा जैसे एक वर्ब जैसे वर्ब यस जैसे फांग है जैसे ओरिजिनली वर्ब फांगन जैसे बिजुखन है ना बिजुख जैसे बिजुखन है फांगन है जैसे बिजुखन फांगन राउखन जैसे फॉर एग्जांपल वैसे तो हर वर्ब अपने आप में नाउन है उसको कैपिटल लिख दो तो ठीक है अगर इसको कोई बंदा बिजुखन को कैपिटल लिख दे ऐसे तो हर बार आर्टिकल दास होगा और ये नाउन हो गया ऐसे ही राउखन लिखा मैंने ऐसे ही एम्फांग जो था हर एक वर्ब अपने आप में नाउन है और आर्टिकल उसका हमेशा दास होगा ये तो एक बात हुई वही रहता है जैसे कोखन है वर्ब तो कोखन है इसका मतलब है टू कुक नाउन में हो जाएगा कुकिंग स्पीलन टू प्ले नाउन में हो जाएगा प्लेइंग कुकिंग स्मोकिंग ईटिंग ऐसे लेकिन इसमें तो आर्टिकल फिक्स है कोई भी वर्ब को एज ए नाउन यूज करोगे तो आर्टिकल हमेशा दास होगा लेकिन कभी कभी आपको ऐसे नाउन मिलेंगे जिसमें केवल en हटाया और फिर नाउन बनाया
उस केस में उसका आर्टिकल हमेशा डेयर होता है। सर्चिंग हो गया ना, विजिट विजिट विजिटिंग हो गया ना। हाँ, सो विजिटिंग इज एन एक्शन राइट। एवरी एक्शन इज ए नाउन। जैसे प्लेइंग जो है ना, आपके अगर सेंटेंस में वो सेंसफुल कोई मीनिंग दे रहा है तो आपको दिखेगा। जैसे स्मोक, टू स्मोक है, लेकिन आप बोलते हो स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। तो अगर वो सेंसफुल कहीं दिख रहा है आपको तो वो एज ए नाउन काम में आ जाएगा। अगर नहीं दिख रहा तो उसको जबरदस्ती यूज करने की कोशिश नहीं करनी है अपन को, लेकिन दिखेगा तो आपको सेंस देगा वो जरूर। राउखन क्या है? स्मोक होता है राउखन। राउखन इज टू स्मोक, स्पीलन इज टू प्ले। ऐसे कोखन, ब्रिटिशन। सो इसमें लिसनिंग करनी है आपको आज इस लेसन में। जो भी आप लोग कर तो रहे हो, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो अपन यहां पे सुनेंगे। आज आपको मैं दो ही चीज देने वाला हूं होमवर्क के लिए। एक दो में से एक तो मैं यहां कराऊंगा। कुछ कुछ लेसन्स के बाद में स्टेशन आता है, इसके बाद में भी स्टेशन दिखेगा आपको। एक स्टेशन का मतलब है अब रुक के जरा सोच ले, हमको इतने आगे ना जर्मन। सो हियर देयर इज ए प्रोफेशन लेजन जी उन मार्कियरन जी इंटरनेशनल व्योटर, मींस यू रीड सम इंटरनेशनल वर्ड्स आर देयर, मे बी यू विल फाइंड सम वर्ड्स से ही पता है जर्मन नहीं आए तो भी। कोई वर्ड दिख रहा है आपको? एक आध देख लो बस। कंप्यूटर दिख गया। ओके, ये सेफ तो वो सेफ नहीं है। या ओके ऑर्गेनाइजर एंड ईमेल्स, ईमेल्स ओके। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सी आता है वैसे। टीयर है तो एनिमल होता है। सो ये किसी लेडी का प्रोफेशन के बारे में, ये कौन है, क्या करती है, किस तरह का इनका बिजनेस है, या फिर किसी ऑफिस में काम करती हैं, वेयर सी इज वर्किंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, व्हाट द कंपनी इज डूइंग। सो एवरीथिंग यू विल जो फाइंड हियर। एंड व्हाट आर हर ड्यूटीज, जनरली व्हाट डज सी डू इन द ऑफिस। जो जो वो काम करती है वो इसमें लिखा हुआ है, और ये फोटो के नीचे उस एक्शन को लिखना है आपको उसमें से देख के। जैसे मान लो हो सकता है कि उसमें ये आ जाए टेलीफोनियरन या टेलीफोनाट फ्यूरन, ऐसे करके कुछ आए तो यहाँ लिख देना है, या फिर वहां पे ऐसे कुछ आ जाए आम कंप्यूटर आर्बाइटन तो यहाँ लिख देना है। द टास्क सी परफॉर्म्स, उसमें से ढूंढना है उसके बारे में। ओके, दास इज दी अफकाबे नंबर आइंस फर्स्ट हैंडन। यू वर आइन फ्राउ, यू वर आजो इरन बेरूफ। उसके प्रोफेशन और काम के बारे में है ये टेक्स्ट। मैं सोचता हूं कि आपको खुद सोचना चाहिए पढ़ के। मैं बताऊंगा तो मेरे को दो मिनट लगेंगे, बट आपका दिमाग चलेगा उसमें। ठीक है?
ठीक है, सो आई एम गिविंग यू चांस. देन अनदर वन हियर, 22 में फर्स्ट आवे से टिक करने पड़ेगा. तीन क्या करने, आ में क्या करना है, फोटो देखनी है, वो अर्बाइटेड प्रो है, राइट? यस, मतलब वो कहां पे, ये एक्चुअली आ में ये बोला है कि ये लेडी क्या करती है, सारा यहां दे रखा है. तो अच्छा. आपको क्या करना है, आपको ये फोटो देखनी है और हो गया फर्स्ट एक्टिविटी. सेकंड वाले में उसको समझना है, ये जो इनकी वर्क है ये कौन है इसके बारे में दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है तो उसमें वो वर्ब भी लिखी हुई है, क्या है वो वर्ब निकाल के यहां लिख देनी है. सो यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड राइट द एक्शंस. दैट ओनली वन होमवर्क है, तीन मत गिनो इसको, राइट? हाँ विजय, डॉट डॉट, हाँ ये कल बता देना मुझे इसको पढ़ के, कुछ नहीं करना अभी तो मैंने बताया उतना ही, इसको पढ़ना है और इसके वर्ब निकालनी है. कल आप अपने वर्ड्स में बोल दो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस. मान लो इसको पढ़ा आप, फिर अपने वर्ड्स में लिख लो, जी इस्ट जेक्रेटेरिन दिज ए फ्राउ हाइस्ट, हर नेम इज दिस, सी इज सेक्रेटरी, यस. हाँ अपने वर्ड्स में कह सकते हैं कुछ 10 sentences में भी, दैट वुड बी ग्रेट अगर ऐसे करोगे तो. देन सेकेंड वन हियर, सर ये सर को क्या बोलते हैं, लेरर, लेरर बोल सकते हैं, हेयर बोल सकते हैं, सर भी बोल सकते हैं, वहां कोई सर बोलता नहीं है ना, हेयर बोल के और उसका नाक नाम में बोलते हैं, मिस्टर भी हो गया और सर भी हो गया, हर या हेयर सैनी बोल सकते हैं. स्मगलर नहीं है, नाम है, टीचर है वो तो. सरनेम, सरनेम है. ओके, सो हियर बेरूफ ऑटोमेशाट्रोनिकर, ऑटोमेशाट्रोनिकर कोई पर्सन है, सेम पर्सन पे दो टेक्स्ट है एक्चुअली. इश बिन क्लाउस स्टेफान, माय नाम इज क्लाउस स्टेफान, इट इज कंप्लीट दी सेम ना, नो डिफरेंस एट ऑल. टू टेक्स्ट आर गिवन एंड देर इज स्लाइट चेंज, इंफॉर्मेशन कुछ कुछ अलग है, सो दैट डिफरेंट इंफॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड आउट. जैसे मान लो इसने बोल दिया कि मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी में काम करता हूं, हमारी कंपनी ऐसा ऐसा करती है, ये एक इंफॉर्मेशन होगी. और इसमें हो सकता है कि कुछ चेंज किया उसने, जो चेंज है वो आपको पता करना है, व्हाट इज डिफरेंट. सो ऑलमोस्ट सेम, ओनली 2-3 informations are different. That's it. Now, make some sentences.